moving on towards rest of the important issues in assessment another one which is very important is the security of the test so once the test is being developed and it's applicable for the administration it should be kept into a very secure place it refers to continuous maintenance and control of all test materials within a testing program by only those individuals who are qualified or designated to have access on them ये क्यों ज़रूरी है ये इसलिए ज़रूरी है कि वो स्पेशलाइज टेस्ट जो आयदर डेवलप किए गए हैं या वो परचेज़ किए गए हैं और उनके ऊपर कॉपी राइट है और उन टेस्ट को आ, कोई इलीगली फ़ोटो कापी करा के डिफरेंट सेंटर्स के अंदर उनको सेल करके उनको मिस करके उनसे पैसे अर्न करना शुरू करें इस क्योंकि ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बहुत कॉस्टली होते हैं और उनको आ, कुछ ऑथराइज कंपनीज ही परचेज़ कर सकती हैं उनको सिर्फ क्वाक्स या उनको कोई Uh, ऐसे लोग परचेस नहीं कर सकते जिनका उस डिसिप्लिन से कोई रेलिवेंस ना हो तो so, इसके लिए इसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है एंड वी जस्ट कान रेंडमली फोटो कॉपी एवरी मैनुअल एवरी टेस्ट बिकॉज इट इज़ हाईली अनएथिकल ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी कैन हैव स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट इंटेग्रिटी ऑफ रिजल्ट एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ टेस्ट इट अगर टेस्ट की जो सिक्योरिटी है उसकी जो सैनिटी uh, है वो ब्रीच हो जाएगी तो फिर इट्सल्फ उसकी जो इंटेग्रिटी है रिजल्ट की वो भी ब्रीच हो जाएगी और लॉन्ग टर्म में उस टेस्ट को यूज करने का कोई फायदा नहीं रहेगा देन कॉमन फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच वी कैन हैव अ लुक ऑन दैट कि कैसे टेस्ट की सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है ब्रीच ऑफ द टेस्ट सिक्योरिटी कम्स इन मेनी फॉर्म सम कॉमन एग्जांपल्स मे इंक्लूड अनऑथोराइज रिमूवल ऑफ टेस्ट मटेरियल फ्रॉम अ टेस्ट साइट लाइक फोर्सफुली किसी मटेरियल को एक टेस्ट में से आप Uh, जो है वो रिमूव कर दें चाहे वो ऑनलाइन है या वो ऑन पेपर है तो ये एक बहुत ही अनैथिकल प्रैक्टिस होगी और ये एक तरह से सिक्योरिटी का लैप्स भी होगा देन पोस्टिंग ऑफ टेस्ट आंसर ओवर द इंटरनेट जैसे आप एक ग्रुप टेस्टिंग कर रहे हैं यू आर गोइंग टू डू दैट ऑन योर पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं आप, आपने यहाँ पर बैठ कर एक टेस्ट सेंटर में वो टेस्ट किया और उसके रिजल्ट जो हैं प्रॉबेबली शिकागो में मेनटेन हो रहे हैं लेकिन साथ ही साथ किसी तरह बाय एक्सीडेंट uh, या बाय मिस्टेक या किसी की इंटेंशन uh, की वजह से उसकी जो स्कोरिंग है वो भी टेस्ट के साथ ही इंटरनेट पर आ जाती है सो इट मीन्स दैट द सिक्योरिटी हैज़ बीन ब्रीच्ड उसकी तो कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है बिकॉज एवरी वन कैन डू इट एक्यूरेटली तो फिर उसके रिजल्ट जो हैं वो तो मीनिंगलेस हो जाएंगे तो वी नीड टू सी दैट इन एनी केस द रिजल्ट शुड नॉट बी अवेलेबल टू द पार्टिसिपेंट्स दैट वट इज़ गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर एनी आइटम

उसको हम मिस करके अपने टेस्ट का पार्ट बना के उसके थोड़ी वर्डिंग चेंज करके उसको लैंग्वेज ट्रांसलेट करके अपना टेस्ट क्लेम नहीं कर सकते दिस इज हाईली टू टेस्ट रिजल्ट अब अगर हमें ये पता है कि किसी वेबसाइट के ऊपर टेस्ट के रिजल्ट्स पड़े हैं और कोई कोर्स दिस इज हाईली अनएथिकल कि उसका सारा रिजल्ट या डाटा जो है वो इनसिक्योर हो जाए

और उसके बाद किसी की गलती की वजह से उसकी फोटो कॉपीज हो गई और वो हर एक बंदे ने दो दो सौ रुपये में परचेज कर लिया तो यू सी दैट द सोशल द इकोनॉमिकल द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ दैट टेस्ट वुड बी अंडरमाइंड इट वुड बी कम्प्रोमाइज देन सेवरल रिस्क एसोसिएटेड विद द पुअरली सिक्योर्ड टेस्टिंग प्रोग्राम आर एलाबोरेटेड एज फॉलोज डिक्रीज वेलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफकोर्स बोथ ऑफ दीज थिंग्स वुड भी कॉम्प्रोमाइज बिकॉज जब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट की बात करते हैं तो ये इसके साथ साथ आ, हमारी जब ये चीज़ें ब्रीच हो जाती हैं जब ये आ, लोगों को इस तरह से आम आप फोटो कापी करके लोगों को चीज़ें मिल रही हैं तो आप उस असेसमेंट को फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंट नहीं आ, देख सकते और आप उसको क्लेम नहीं कर सकते कि इसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है वो सस्टेन होगी क्योंकि प्रैक्टिस इफेक्ट आ जाता है लोग बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे उनके पास की फोटो कापी शीट्स होंगी उसको ख़ुद स्टोर करेंगे and they will be very good enough in handling any personality test any assessment test then ineffective selection procedures are important thing to be discussed like reduced validity in testing procedures can have a significant impact on the effective selection of examinees into organizational settings as validity declines the number of selection errors also increases so you know agar humne ek ineffective selection keyha testing procedures ke liye, humne लेट्स uh, ही हमने इफेक्टिव कैंडिडेट्स जो हैं वो चूज़ कर लिए हैं जो कि उस रेलिवेंट प्रोग्राम के लिए टेस्ट या स्क्रीनिंग के लिए नहीं मैंट uh, um, कर रहे थे तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो भी इन इफेक्टिव ही आएंगे गिविंग यू एन एग्जांपल जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि एक टेस्ट है जो कि uh, बच्चों की इंटेलिजेंस मेयर कर रहा है और वो टेस्ट जो है अगर एडल्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स दे आर द इन अप्रोप्रिएट सेलेक्शन फॉर दैट टेस्ट आइटम तो रेलिवेंट पॉपुलेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रेलिवेंट रिज़ल्ट to keep the validity and reliability sustained.